हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कि हाउ कैन आई मेक माई लाइफ सिंपल येट कंफर्टेबल। बिकॉज समटाइम्स वी थिंक कि ना अगर वो सिंपल हो गई तो कंफर्टेबल ही रहेगी, और अगर कंफर्टेबल ना चाहिए तो इतनी सिंपल लाइफ बड़ा कैसे काम चलेगा। तो यूजली हम इन दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ नहीं रख पाते कि सिंपल लाइफ कैन बी कंफर्टेबल और से कंफर्टेबल लाइफ हाउ कैन इट बी सिंपल। पर अगर ध्यान से देखा जाए जो लोग बड़े सिंपल है ना दे आर फार मोर कंफर्टेबल। रीजन भी उनकी जो सुख सुविधाओं के ऊपर डिपेंडेंसी कम है एंड दैट्स वाई दे आर हैप्पियर। एक अंग्रेजी में कहावत है दैट दोज हूज हैप्पीनेस इज चीपेस्ट दे आर द रिचेस्ट। लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा इज चीपेस्ट। कोई पैसा लगता है इसमें? कोई पैसा नहीं लगता। एनी वन कैन चैंट हरे कृष्णा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सो दैट इज हैप्पीनेस। दिस हैप्पीनेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज चीपेस्ट, नो मनी इन्वॉल्व्ड। एंड दैट्स फॉर दोज हू चैंट हरे कृष्णा एंड देयर हैप्पीनेस इज ओनली देयर इन चैंटिंग हरे कृष्णा। ऐसे लोग क्या है? हैप्पीएस्ट, हमेशा खुश रहते हैं वास्तव में। तो इसीलिए वास्तव में सिंपल लाइफ से ही हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। बल्कि संसाधनों के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जितनी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी रहेगी कि इन चीज़ों से हमको मैं खुश होने वाला हूँ, इन फैसिलिटीज से मैं खुश होने वाला हूँ, तो ये खुशियाँ कब चली जाएंगी कुछ पता नहीं। तो इसीलिए जो विद्वान पुरुष हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने यही संदेश हमें दिया है दैट वी शुड हैव सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन आज जिस सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह के लिविंग स्टैंडर्ड्स आज के लोगों के हैं, वो हैं सिंपली लिविंग हार्डली थिंकिंग। सो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बजाय हो गया सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। पर ये सिंपल लिविंग लेके आना ये बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हमारी सिंपल लिविंग होगी उतने ज़्यादा हम अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स, चीज़ों के ऊपर निर्भर होकर बड़ा कंफर्टेबल है वो अभी, तो उसको ये ट्रांजिशन करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ सकता है। सो देर इज इन बिटवीन आर ट्रांजिशन फेज ऑफ डिस्कम्फर्ट टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम संसाधन और फैसिलिटी डिपेंडेंट हैप्पीनेस टू वेरी सिंपल लाइफ विच इज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। तो ये ट्रांजिशन आने में हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट अल्टीमेटली विल लीड टू लॉन्ग टर्म कंफर्ट। तो इसीलिए उस डिस्कम्फर्ट से हमको घबराना नहीं चाहिए। और साथ ही होता क्या है कि डिस्कम्फर्ट अगर देखा जाए तो डिस्कम्फर्ट सिर्फ मन में है, सिर्फ मन में। मन घबरा रहे क्यों, वाई वॉन्ट टू चेंज, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, क्योंकि मन को ना चेंज पसंद नहीं है। तो इसीलिए मन जो है रेजिस्ट करता है चेंजेस को, कि जैसा चल रहा है ना वह चलने दो बाबा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी हैप्पीनेस जो है वो चीज़ों के ऊपर कम डिपेंडेंट हो, तो इसीलिए हमें चाहिए कि दैट वी नीड टू मेक दिस ट्रांजिशन। लेकिन इस ट्रांजिशन से आपको हमको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन होता है क्या है कि हम चीज़ों से क्यों अटैच हो जाते हैं, संसाधनों से क्यों अटैच हो जाते हैं? रीज़न बीइंग हमारी जो एसोसिएशन है ऐसे लोगों से है जो कि बड़े कंफर्ट सीकिंग हैं, लग्जरी सीकिंग हैं, और इससे जो वो बातें करते हैं वो भी लग्जरी की कंफर्ट ही करते हैं। तो इसलिए उस एसोसिएशन में भी हमारी डिज़ायर्स ऐसी हो जाती हैं दैट वी ऑलवेज सीक कम्फर्ट इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमें चाहिए क्या, हम ऐसे भक्तों का संग करें, ऐसे लोगों का संग करें जो कि बड़े सिंपल माइंडेड हैं और बड़ा सरल जीवन बिताते हैं, और उनकी सरलता से, उनके बिहेवियर से, उनकी वाणी से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंपल जीवन जिया जाए। सो दैट इज बाय हैविंग गुड एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वी कैन मेक दिस शिफ्ट फ्रॉम अ कॉम्प्लिकेटेड फैसिलिटी डिपेंडेंट थिंग्स डिपेंडेंट हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट टू अ वेरी सिंपल लाइफ, and that simple life can really be comfortable. So that is, we should be courageous to take this change in our life, because change is impervious, change is inevitable, but yes, those who are impervious to change, they fall apart. So इसलिए ये change हमें लेके आना है from complicated things dependent happiness or comfort to a very simple life happiness. इस तरह से हम लोग comfortable हो सकते हैं। हरे कृष्णा।